हेलो माय डियर चिल्ड्रन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो बच्चों आज हम एक सी लिटिल किटी बनाएंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक योर पेंसिल एंड कलर्स एंड योर ड्राइंग बुक ओके तो हमें क्या करना है स्मॉल सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस ठीक है छोटा सा स्मॉल सर्कल ड्रा करना है टू स्लैंटिंग लाइन ड्रा करनी है और उसको एक बो होता है ना जो गर्ल्स लगाती हैं क्लिप हेयर क्लिप वैसा हमें बनाना है क्या करना है एक स्मॉल सर्कल और टू स्लैंटिंग लाइंस उसको एक कर्व लाइन की हेल्प से इसको हम बना देंगे और सेम साइड भी ओके okay? और इसमें ओवल शेप ओके तो अभी हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा हमने ये ओबल शेप इसके अंदर ड्रॉ कर लिए ओके okay? उसके बाद इसके जस्ट बीच में हम एक ट्राइंगल शेप ड्रॉ करेंगे छोटा सा लाइक like दिस यहाँ से हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे और एक एक छोटा सा ट्राइंगल और ड्रॉ करेंगे ओके okay? और इसको हम कर्व शेप की हेल्प से ये सी होता है ना सी जैसा तो इसकी कर्व की हेल्प से हम यहाँ तक इसको लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे ओके समझ में आया अभी यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे छोटी छोटी टू ओबल शेप की आइज़ ड्रॉ करेंगे लाइक दिस ओके उसके बाद में हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल और ड्रॉ करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम टू स्लेंटिंग लाइन्स ड्रॉ करेंगे लाइक दिस ये यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्लीपिंग लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इसको यू शेप की हेल्प से मिला देंगे ये देखो ओके okay? अभी हैंड ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे ओवल शेप ड्रॉ करना है लाइक like दिस सेम यहाँ पे भी हमको ओवल शेप ड्रा करना है लाइक like दिस और यहाँ पे हम इसके हैंड बना देंगे ओके ये देखो हमारी लिटिल किटी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हम थ्री स्लेंटिंग लाइंस कर देंगे ओके सेम यहाँ पे भी ये देखो बन गई ना क्यूट सी लिटिल किटी अभी हमें क्या करना है इसमें कलर करना है इसमें मैं पिंक कलर करूँगी और येलो कलर सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइन कर रही हूँ ब्लैक कलर से ओके ये मैंने ब्लैक कलर की हेल्प से इसकी आउटलाइन की है अगर आप कर सकते हो तो अच्छा है वरना कोई बात नहीं पेंसिल की हेल्प से भी आप कर सकते हो फिर हम जो इसका हमने ये बो बनाया था ना उसमें हम पिंक कलर फिल करेंगे ओके लाइक दिस और ये जो इसका हमने ये टी शर्ट बनाया है इसके अंदर भी हम पिंक कलर फिल करेंगे आप पिंक क्रेयॉन भी ले सकते हैं अगर आपके पास क्रेयॉन नहीं स्केच पेन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते ओके लाइक like दिस मैंने छोटी सी लिटिल किटी बनाई है आप बड़ी भी बना सकते हो और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो ओके ये इसके मू मैंने येलो कलर किया है और ये देखो हमारी लिटिल क्यूट किटी रेडी है ठीक है आप अपने हिसाब से इसको और भी प्यारा प्यारा बना सकते हो ओके एक बार हम दोबारा देखते हैं कि कैसे बनाया था मैम ने स्मॉल सर्कल ड्रा किया था और उसके बाद टू स्लेंटिंग लाइंस ड्रा की थी और उसको कर्व शेप की हेल्प से इसको हमने बंद कर दिया था ठीक है और उसके बीच में एक ट्रायंगल शेप छोटा सा ड्रा किया था और उसके बाद एक सी शेप यानी कि कर्व शेप ड्रा की थी उसके बाद अगेन एक छोटा सा ट्राइंगल शेप और उस यहाँ से हमने कर्व शेप ड्रॉ की और उसको ये जो हमारा बो है यहाँ से हमने इसको मिला दिया था यहाँ पे टू ओवल शेप ड्रॉ किए थे उसकी आइज़ के लिए लाइक दिस स्मॉल ओवल शेप और ड्रॉ कर रहा है ठीक है यहाँ पे टू स्लैंटिंग लाइंस एक स्लीपिंग लाइन लाइन और इसको हमने यहाँ से और यहाँ से इसको हमने जोड़ दिया था और इसके हैंड के लिए हमने यहाँ पे एक ओवल शेप ड्रॉ की थी ये देखो ठीक है और यहाँ पे भी एक ओवल शेप ड्रॉ की थी और इसको यहाँ पे लाइन करके बंद कर दिया था और ये इसके टी शर्ट का इधर ये हो गया ओके अब इसमें आप इसके जैसा कलर फिल कर लीजिएगा और ये यहाँ पर थ्री स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ कर दीजिएगा ओके okay? और ये आपकी लिटिल क्यूट किटी रेडी हो गई ओके ओके टेक केयर चिल्ड्रेन और मुझे अपनी पिक सेंड कर दीजिएगा आपने कैसी किटी बनाई है ओके बाय बाय टेक केयर